आज झज्जर में एक मामला सामने आया जहां पर एक बच्चे को अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके चाचा की सतर्कता से अपहरणकर्ता पकड़े गए। दोनों ही अपहरणकर्ता बच्चे को पैसे का लालच देकर उसे अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बच्चे को लालच देकर उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, लेकिन बच्चे ने जब कुछ अनहोनी देखी तो वो तुरंत से वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बावजूद भी अपहरणकर्ताओं ने हार नहीं मानी और बच्चों को फिर से बरगलाने लगे। थोड़ी ही दूरी पर उसके चाचा की रेडीमेड की दुकान थी, वो भी उस चीज को देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि कुछ अनहोनी हो सकती है तो उन्होंने तुरंत से उस अपहरणकर्ता से पूछा कि भाई आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं किसी से मिलने आया हूँ और कुछ काम कर रहा हूँ। उसके बाद वो अपने ग्राहकों को संभालने लगे और अपहरणकर्ता फिर से अपने मिशन पर निकल पड़ा। उसके बाद पड़ोसियों ने अपहरणकर्ता को पकड़ लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि उन्हें मारना चाहती थी, लेकिन तुरंत से वहां पर लोगों ने पुलिस कॉल करी, लेकिन पुलिस की भी देरी देखे कि करीब 35 से 40 मिनट की देरी से पुलिस वहां पहुंची। उसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें पीसीआर में बैठाकर तुरंत से झज्जर थाने में ले आई। हमारे संवाददाता ने उसके चाचा से बात की तो उन्होंने बताया कि वो काफी देर से खड़ा था। मैंने उनसे पूछा कि आप यहां पर क्यों खड़े हैं? उन्होंने टाल मटोल कर दी। ऐसी बात थी ये खड़ा था, मुसलमान जो भी था ये यहाँ खड़ा था। मैंने इससे बात पूछी, भाईजान किस लिए खड़े हो? नहीं भाई, मैं तो ऐसे खड़ा था, उनको बात तो होगी, मेरे गले के सामने खड़े थे, कोई तो बात होगी, आप खड़े हो? नहीं भाई, ऐसे कोई बात नहीं, ये आगे चला गया। फिर लड़का को इसने दे रखे थे 20 रुपए चीज लाने के लिए, भाई कुछ भी, तो अपने टोपी वगैरह कुछ भी लिया, लड़का वहाँ से चीज ले आया। लड़का परिवार मेरा भतीजा लगता है, तो वहाँ से ये लड़का आया, इसने वहाँ के सामने लड़के को हाथ पकड़ लिया। ये बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं? मैं यहीं बैठा खड़ा देख रहा था, दुकान पे था, मैंने देख लिया अपना भतीजा पकड़ रहा था, तो देखूंगा। उसके बाद इसने लड़के ने हाथ छुटाया और गली में घुस गया। उसके बाद इसने गली के पास खड़े होकर 50 रुपये अलग से दिखाए थे बच्चे को। मेरा फर्स्ट कस्टमर आ गया, मैं अपने कस्टमर अटेंड कर लिया। उसके बाद ये बच्चे को लेकर दलाल के साथ जा लिया था, इसका हाथ पकड़ के बच्चा हाथ छुटा के भाग रहा था इसके पास से, लेकिन जबरदस्ती हाथ पकड़ा नहीं, इसके ऐसे पोली भर के इसने उठाया। जब मेरी नजर पड़ी, मैं कस्टमर को बोला भाई 2 मिनट में आया मैं। जब बताने की कोई गाड़ी भी नहीं, नहीं गाड़ी नहीं थी, पैदल था ये, इसको 50 रुपया लाल छोड़ देगी, इसको उठा के ले जाया था गोदी में। तो मैंने इसको पूछा था भाई क्या बात है क्या नहीं, फिर पब्लिक आ गई, इससे पूछा मैंने, नहीं मैं तो ना इस बालाजी पे आया था, मैं तो अपनी सब्जी ले रहा था, अपने भाई को फोन मिलाया इसने कि भाई मैंने फोन मिलाया, मैं सब्जी ले रहा था और मेरे को जबरदस्ती पकड़ लिया। बच्चा है 10-11 साल। उसके बाद उस बच्चे की मनोदशा जानने के लिए भी हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि वो मुझे उठा कर ले जाना चाहता था। आप भी सुने इस मासूम बच्चे की कहानी उसी की जुबानी। नाम क्या बेटा? रवि। रवि क्या था बेटा वहाँ पे? दो आदमी थे। हाँ हाँ। मुझे उठा के लेके जा। अच्छा अच्छा, जैसे बोला वैसे बोल। किसने 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 देखा आपको? मोनी चाचा ने। मोनी चाचा ने। अच्छा, उसके बाद आपने हाथ छुड़ा के क्या बता रहे थे? हाथ छुड़ा लिया था उनसे? पैसे भी दिए थे आपको? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ लेके जा रहे थे वो? अच्छा। साथ जो ये महिला बैठी है ये वो माँ है जिसने 9 महीने कोख में रखकर इस बेटे को इतना बड़ा किया है। इसके कलेजे में क्या बीत रही होगी वही व्यथा सुनने के लिए हमने आईडी माँ के आगे भी लगा दी। माँ ने पीड़ा भरे शब्दों में कहा, मेरे बेटे को उठाने आए थे, लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि लोगों ने मेरे बच्चे को बचा लिया, मेरे देवर ने अगर नहीं देखा होता तो आज बहुत बड़ी अनहोनी मेरे साथ हो जाती। अच्छा, आपका बेटा है? हाँ जी, मेरा लड़का है। क्या क्या मामला था जी? ये जी बाहर खेल रहा था बच्चा मेरा। हाँ। दो लड़के दो आए। हाँ। आदमी। हाँ। तो मेरे लड़के को उठा के ले जा रहे थे। हाँ। तो मेरे देवर ने देखा। हाँ। तो उसने छुटाने की कोशिश की, हदापी हो गई। हाँ। फिर पब्लिक जमा हो गई, तो पुलिस भी बुलाई, मारा पीटी भी हुई। हाँ। तो फिर छुटा छुटा कर पुलिस ले गई वहाँ से। पड़ोसियों की सतर्कता से मासूम का अपहरण होते होते बचा है। अब मामला पुलिस के संज्ञान में है, देखते हैं पुलिस क्या जांच पड़ताल करके इन आरोपियों से और क्या उगलवाती है। हमारे संवाददाता ने इनका आधार कार्ड जब चेक किया तो उस अपहरणकर्ता का नाम साबिर नजर आया। आप भी ये विजुअल में जो आधार कार्ड देख रहे हैं उस पर साबिर नाम ही अंकित है, ये असली है या नकली ये जाँच का विषय है। कैमरामैन विजेंद्र के साथ रमाकांत की रिपोर्ट, हर न्यूज 24।